बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आई एम योर टीचर। स्टूडेंट, आज मैथ की क्लास में आप लोगों को बुक की वर्किंग करवाऊंगी, तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कीजिए। आपकी मैथ की बुक ये है ना, मैथमेटिक्स 1। अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। बुक पेज नंबर 1 सबने ओपन कर लिया। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इन द बॉक्स टेक द वन दैट कम नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास पिक्चर है और यहाँ बॉक्स है, तो हमें क्या करना है, वन के बाद जो नेक्स्ट है उस पर टिक करना है। तो नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, लाइन की पिक्चर है ना, और इसकी नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है, डक। यहाँ पर भी 1 जो है वो लाइन है और नेक्स्ट इसकी पिक्चर है डक, तो नेक्स्ट पे हमें टिक करना है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा एनिमल है, डक या फिर लाइन? डक है ना, तो सब अपने अपने बॉक्स में टिक कीजिए डक पर। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। गुड। इन द बॉक्स टिक द 2 दैट कम नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर वाली एक्सरसाइज में क्या किया था, जो 1 के बाद नेक्स्ट पिक्चर थी उस पर हमने टिक किया था। यहाँ हमें 2 के बाद जो पिक्चर है उस पर टिक करना है। यहाँ हमारे पास कुछ शेप्स है, देखिए नंबर 1 पे कौन सा शेप है, ट्राइंगल, सर्कल, ये हो गया 1 पिक्चर और ये 2। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास उस पर हमें टिक करना है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है 2 के बाद, वो कौन सी पिक्चर है, रेक्टेंगल की। तो 1 पे हमारे पास ट्राइंगल और 2 पे सर्कल, तो इसकी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की या सर्कल की? रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल पे टिक कीजिए सब। इसी तरह से स्टूडेंट, ये देखिए कुछ फ्लावर्स है हमारे पास, और इन फ्लावर्स को भी हमें जो 2 के बाद फ्लावर है उस पर टिक करना है। तो नंबर 1 पे देखिए, ये डार्क पिंक फ्लावर है, फिर ये लाइट पिंक है, और उसके बाद ब्लैक फ्लावर है। तो 2 के बाद कौन सा नेक्स्ट है, ब्लैक। यहाँ पर भी देखिए डार्क पिंक, लाइट पिंक, नंबर 1, 2, और इसका नेक्स्ट फ्लावर जो हमारे पास है वो है ब्लैक। तो अब ये डार्क पिंक है हमारे पास, इसके बाद देखिए 2 के बाद हमें नेक्स्ट पे करना है ना, तो डार्क पिंक के बाद कौन सा आना चाहिए, लाइट पिंक, और उसके बाद कौन सा फ्लावर आना चाहिए, ब्लैक। तो हमने यहाँ ब्लैक पे टिक किया। आप लोग सब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये आपने कर लिया, आप पेज नंबर 2 ओपन कीजिए। पेज नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, पेज नंबर 2 पे हमारे पास है बिगर एंड स्मॉलर। दिस इज बिगर, दिस इज स्मॉलर। बिगर मीन तो सबको पता है, बिग मीन क्या होता है, बड़ा, और स्मॉल मीन छोटा। तो आज हम पढ़ेंगे बिग और स्मॉल के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। टिक द बिगर वन एंड क्रॉस द स्मॉलर वन इन द बॉक्सेस। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स में से जो बिग पिक्चर है उसमें हमें क्या करना है, टिक करना है, और स्मॉलर पे हमें क्रॉस करना है। तो बताइए आप मुझे, इन दोनों बलून में से बड़ा वाला बलून कौन सा है, बिग बलून कौन सा है? यस, दिस वन। तो यहाँ हम टिक करेंगे और ये जो हमारा स्मॉलर बलून है यहाँ हम क्रॉस करेंगे। चले जल्दी जल्दी मेरे साथ कीजिए सब। उसके बाद ये वाली पिक्चर में देखे 2 कार्स है ना, इसमें से हमें स्मॉलर जो कार है उस पर क्रॉस करना है, और जो बिगर है उस पर हमें टिक करना है। तो बिग जो कौन सी कार नजर आ रही है आपको, ये वाली ना, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और यहाँ हम क्रॉस करेंगे। और यहाँ लास्ट में देखिए, नीचे आ गए आप लोग, यहाँ पर है फिश, इसमें से बिगर एंड स्मॉलर कौन कौन सी फिश है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस इज बिगर, तो यहाँ हम करेंगे टिक, और दिस इज स्मॉलर, यहाँ हम करेंगे क्रॉस। ये बटरफ्लाई है, कौन सी बड़ी है, दिस वन, तो यहाँ हम टिक करेंगे और स्मॉलर पे हमें क्रॉस करना है। ओके सर, अब पेज नंबर 3 पर आए आप लोग। बुक पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। यस, टिक द बिगेस्ट वन एंड क्रॉस द स्मॉलर वन इन देयर बॉक्सेस। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बिगर एंड स्मॉलर में 2 पिक्चर्स थी ना, यहाँ हमारे पास 3 पिक्चर्स है, 1, 2, 3। तो हमें क्या करना है, टिक करना है इन 3 पिक्चर्स में से जो सबसे बिगर पिक्चर है उसे हम टिक करेंगे, और जो सबसे स्मॉलर पिक्चर है उसे हम क्रॉस करेंगे। तो इनके एप्पल्स है ना हमारे पास, सबसे बड़ा एप्पल कौन सा है, दिस वन, तो यहाँ हमने टिक किया, और ये सबसे स्मॉलर एप्पल है, यहाँ हमने क्रॉस किया।